सब्सक्राइब कीजिए स्वाति लाइफ एंड स्टाइल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट ब्यूटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम इस बारिश के मौसम में बहुत आसानी से हमारे स्किन का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समर्स एंड मानसूनस में मेन जो डिफरेंस होता है वो है एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, तो रिजल्ट में मिलती है चिपचिपी स्किन, और इस वजह से क्लॉग्ड पोर्स, एक्ने और भी कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें लेना होगा ऐसा एक फेस वॉश जो माइल्डली एक्सफोलिएटिंग हो, सो दैट हम इसे डेली यूज़ कर पाए। मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। ये एक सोप फ्री फेस वॉश है। इसमें छोटे छोटे स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं जो स्किन पे बहुत जेंटल है। इस फेस वॉश में ग्लाइकोलिक एसिड है जो डेड स्किन सेल्स को क्लियर करके हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है वो एक्ने पिंपल्स को कम करता है और वापस आने से रोकता है। ये फेस वॉश स्किन को डीपली क्लेंस कर देता है, कोई डर्ट सीबम कुछ नहीं रहता, लेकिन स्किन को एक्सेसिवली ड्राई भी नहीं बनाता। दैट्स द बेस्ट पार्ट, रिफ्रेश्ड फील होता है इसे यूज़ करने से। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप बायोटिक बायो पपाया स्क्रब वॉश यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही माइल्डली एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है और डेली यूज़ करने के लिए सूटेबल है। आपको दिन में दो बार फेस वॉश करना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क। और इस मौसम में स्किन को एकदम क्लीन एंड फ्रेश रखने के लिए प्लम ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क बेस्ट है। मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये एक क्ले बेस्ड मास्क है, एक्ने कंट्रोल करता है। इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड है तो पोर्स को डीपली क्लेंस कर देता है, और चेहरा इंस्टेंटली फ्रेश और ब्राइट दिखती है। सिर्फ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन को छोड़ के हर कोई प्लम के ग्रीन टी रेंज यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करते हैं। आपको हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार ही फेस पैक अप्लाई करना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, एंड 20 मिनट्स रख के फिर धो लेना है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं। स्किन को डीप क्लेंस करने के साथ साथ इंस्टेंट ग्लो भी लाता है। ओके, तो अब हमें अप्लाई करना है टोनर। तो मैं ले रही हूँ प्लम ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर। मॉनसून्स में एक्ने प्रोन स्किन के लिए प्लम का ये टोनर परफेक्ट है। ये टोनर एक्ने पिंपल्स को दूर करता है, स्किन को एक कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, पोर्स को टाइटन करता है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो डेड स्किन सेल्स को क्लियर करता है, और अल्कोहल फ्री है तो स्किन को एक्सेसिवली ड्राई आउट भी नहीं करता। पैराबेन फ्री ऑल नेचुरल प्रोडक्ट है। और आप चाहे तो बायोटिक बायो क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई या सेंसिटिव है तो आप लोटस हर्बल्स की रोज टोन अल्कोहल फ्री टोनर यूज़ कीजिए। ये तीनों ही बहुत अच्छे टोनर्स हैं। टोनर हमें दिन में 2 बार फेस वॉश करने के बाद अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो टोनर एब्जॉर्ब हो जाने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। ये एक लाइटवेट क्रीम है और मैट लुक प्रोवाइड करती है, बट एट द सेम टाइम स्किन को नाइसली मॉइस्चराइज भी कर देती है। सो आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी, मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। एक्ने मार्क्स को दूर करने के लिए ये क्रीम रियली इफेक्टिव है। मैंने इसका इनडेप्थ रिव्यू भी किया है, प्लीज़ उसे एक बार चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन। फ्रेंड्स, मौसम कोई भी हो, सनस्क्रीन कभी स्किप मत करना। धूप चाहे हो या ना हो, यूवी रेज तो हमेशा होती है, इसलिए हमें सनस्क्रीन ऑलवेज यूज़ करना चाहिए। और मॉनसूनस में वाटरप्रूफ सनस्क्रीन तो मस्ट है। और मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है लोटस हर्बल्स मैट जेल SPF 50। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50+ यूज़ कीजिए। ये दोनों ही सुपर इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। इट वुड मीन अ लॉट टू मी।
Thank you so much for watching, and I will see you all soon in my next video. Till then, bye.